पंचकुला स्थित राजीव कॉलोनी निवासी एक नवविवाहिता महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका कुसुम के ससुराल वालों के अनुसार उसने आत्महत्या की है, जबकि कुसुम के पिता ने बेटी की हत्या की आशंका जताते हुए सेक्टर 16 के पुलिस स्टेशन में कुसुम के पति नरेश, सास निर्मला व जेठ राजू के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। घटना बीती देर रात की है। कुसुम के ससुराल वालों के अनुसार कुसुम अपने कमरे में गई, लेकिन जब काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा तो कुसुम पंखे से लटकी हुई थी। पुलिस या कुसुम के परिजनों को बिना जानकारी दिए ही उसको सेक्टर 6 के सामान्य अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा ही कुसुम के पिता राज्यपाल को बेटी के मरने की सूचना आधी रात को मिली। मृतका के पिता राज्यपाल ने बेटी की मौत की जानकारी देते हुए ससुराल पक्ष के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाए जाने की बात कही। ये रात के 12 बजे मतलब मुझे पुलिस द्वारा मालूम पड़ा कि आपकी लड़की की डेथ हो चुकी है, और बाकी इन लोगों ने मतलब नरेश और जो इनका भाई राजू है और इनकी माँ जो निर्मला है, इन्होंने मुझे फ़ोन करना उचित नहीं समझा। ये पुलिस द्वारा मुझे मालूम पड़ा, तब मुझे सुबह बुलाया गया। देखो मुझे ये लगता है कि मेरी लड़की मतलब मारी गई है। हाँ जी, शिकायत दी है कि मतलब जो रिपोर्ट आने पर कानूनी कार्रवाई की जाए और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए जो भी है। वहीं मामले की तफ्तीश कर रहे जांच अधिकारी सेवाराम ने कुसुम के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच किए जाने की बात कही। हमें रात सूचना मिली थी कि कुसुम नाम की लड़की ने सुसाइड कर लिया है, तो उस पर फोन चले, उसके सुबह वारिस आए हैं, उनको रात ही सूचित कर दिया था। सुबह ही वो आए हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे ही पोस्टमार्टम होता है और रिपोर्ट आएगी, उसके बाद विसरे की रिपोर्ट आने के बाद जो भी कार्रवाई है कार्रवाई। मृतका के परिजनों के अनुसार चंडीगढ़ सेक्टर 56 की रहने वाली कुसुम ने 6 महीने पहले ही राजीव कॉलोनी निवासी नरेश से प्रेम विवाह किया था, जिसके चलते दोनों परिवारों का आना जाना नहीं था। बहरहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों के हवाले कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।